कम बैक टू माई चैनल रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारे घर पे एक नया रेसिपी लेकर आ गए, वो है झींगा पुलाव। पहले आपको मांग दे रहा है तो कुछ माइंड मत करना। तो आज हमारे घर पे जो झींगा पुलाव बनने जा रहा है, पहले एक बार बनाए थे झींगा पुलाव तो इसलिए वजह से अब दूसरे तरीके से बनाएंगे पर मेरे रिक्वेस्ट में। बहुत दिन से अम्मी को बोल रही थी कि अम्मी झींगा पुलाव बनाओ। और खाने तो, में टेस्ट भी होता है। हाँ, खाने में टेस्टी भी लगता है। तो आज मम्मी बना रहे हैं मेरे रिक्वेस्ट में। तो क्या है, 3 टमाटर लिए 100 ग्राम झींगा, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। झींगा को मैंने अच्छे से काट करके लिए, देखो पूरा अंदर से नस वस सब निकाल दिया है, देखो साफ सफाई कर लिए, नस वस निकाल के साफ सफाई हो गया है। ये 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, दही 1 ग्राम का दही है, उसमें से 5 टेबलस्पून दही जाएगा, 200 ग्राम बटाटा, कांदा 3, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ग्रीन चिली पेस्ट, आधा किलो चावल, चावल भिगा के रख दिए हैं। तो कैसे करके बनाते हैं एक करके आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में बने रहो तो सब कुछ देखने मिलेगा। वीडियो छोड़ के जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डाल। हमें हल्दी लगा लेंगे और नमक से इसको मिक्स कर लिए, देखो चलो फ्राई कर लेते हैं, फ्राई कर लेंगे इसको। अभी मैंने तेल डाल के दी थी, झींगा फ्राई कर लेती हूँ। हो गया है क्या? नहीं, बाकी है। गर्म हो जाएगी ना तो मच्छी या झींगा रखो चिपकाएगा नहीं। हल्दी मिला कर रखिए और उसको फ्राई कर देंगे। झींगा फ्राई हो गया, देखो आप ज्यादा भी झींगा देख सकते हैं, जो घर में भी था उसमें से बना रहे हैं। मैं बाहर भी नहीं गई, अब इसने बोले, मैं बोली थी, बोल के मम्मी बोले घर पे से बना है, तो बोले बना दे। तेल डालूंगी, तेल डाल के थोड़ा सा आलू फ्राई कर लेंगे, देखो कैसा हो गया। अभी फ्राई कर लेंगे, के लिए मैं वही बड़े बड़े आलू बिरयानी में जाते हैं ना, चिकन बिरयानी में, हाँ झींगा में छोटे छोटे आलू दी। अच्छा, देखने में भी अच्छा लगेगा, मैं तो खास करके खरीद कर लाई। अच्छा, बड़े बड़े आलू का है अलग से, बड़ा लेता है छोटा भी लेता है। हल्दी और नमक डाल, नमक दे के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। हो गया मस्त हो गया एकदम। इसमें से बिरयानी और अच्छा लगेगा, टेस्टी होएगा। ऐसा झींगा का बिरयानी अच्छा लगता, इसका फ्राई करके बनाता और अच्छा लगता। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह जबरदस्त होगा। तो ग्रेवी बनाने के लिए ये देखो, इसमें बनेगा, इसमें पानी उबाली थी, देखो घसी साफ हो गया। अभी इसमें पकाते अभी मैं स्टील की कलसी में देती हूँ, ये मुझे बहुत जरूरत पड़ती है बिरयानी बनाने के लिए। मेरे पास ये साइज का एक ही है और इससे बड़ा है, अच्छा बनता है और इससे छोटा भी है। 2-3 तेल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तभी खाने में टेस्ट होगा। 5 चम्मच एक बार तेल वाला चीज खा के एक्सरसाइज कर लो, मेरे पास रहेगा तो एक्सरसाइज का ही बात आएगा। 1 चम्मच तेल गया ना। अभी ये जो इसका मसाला जो है, 3 तेज़पत्ता है, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 गोलमरीच, 3 लौंग, और ये चक्री फूल की 2 पीस लिए, और जीरा 1 चम्मच। और सब अभी तभी ये अभी गर्म हो जाएगा, इसमें डाल दूँ। तेल गर्म हो गया, अभी ये डाल देती हूँ सब मसाला, करके रखी थी वो क्योंकि मसाला का फ्लेवर आ गया। बिस्मिल्लाह फिर आगे छोटा चावल, मुसौरी चावल बोलते, क्या बोलते हैं छोटा एकदम, इसमें बिरयानी चावल, इसमें से वो सर बिरयानी बनता है ना, तहारी। हाँ, तहारी हाँ, वो अच्छा बनेगा, उसमें से ये बनता है। क्या डालोगे? कांदा ब्राउन हो गया, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्ची पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्ची भुन गया तो खुशबू आ गया, अब डालेंगे इसमें नमक डालना पड़ेगा टमाटर, ताकि जल्दी गल जाए। इसमें नमक डाल देंगे, टमाटर जल्दी गल जाए, और टमाटर जल्दी गल जाने के तो हमेशा नमक डाल देने का उसमें, और जो अदरक का जो कच्चापन रहता है वो चला गया, अदरक लहसुन का अच्छा सा खुशबू आ गया। हरी मिर्ची अदरक लहसुन, हरी मिर्ची अदरक लहसुन का खुशबू, खुशबू एकदम मम्मी बहुत मस्त लग रहा है। खुशबू कैसा ऐसा लगता ना, इसको ऐसे ही रख दो और आलू छोड़ के रोटी से खा लो। हाँ, सच्ची में एकदम ऐसे बनाना। अभी ये जो मसाला है वो सब डाल देंगे इसमें।
एकदम पूरा भून जाते हैं। मसाला भी तुम अच्छे से भून लेंगे। एकदम टमाटर भी गलने आ गया। तो फ्राई करके रखे थे वो एक एक करके इसमें डाल देंगे। जाएगा झींगा भी नहीं दूंगी नहीं तो गल जाएगा। झींगा का झींगा डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो चार आ गया झींगा तो झींगा दही पुलाव तरह से मिक्स कर लेंगे। दही डाल के दही का भी पानी टमाटर का पानी उसमें से हम लोग इसको भून लेंगे। फिर उसके बाद चावल डालेंगे। टमाटर वो सब भून जाने के बाद इसमें चावल डालेंगे। अब उसमें चावल डालेंगे वो डाल देंगे थोड़ा सा। झींगा कितना सारा था ये जब भी फ्राई करते ना। हाँ तो सुखड़ जाता ना तो बड़ा बड़ा भी था वो भी सुखड़ गया। हाँ आप लोग बड़े बड़े से बना सकते हैं। हाँ लेकिन बोली ना मेरे पास जो नहीं था मेरी लड़की बोल रही मैं बोली थी बोल के बनाने के लिए। मम्मी बोले घर पे जितना है उससे बना लेती हूँ खाने से मतलब है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाहर इतना धूप है जी में बाहर बहुत धूप है। नहीं जाता तो निकलना पड़ता था। हाँ लेकिन अभी था बोल के मम्मी बोले जिसमें है उसमें से बना लेते। कॉल करके मसाला में सब चावल लग गया है। पानी डाल देंगे इसमें। चावल से ज़्यादा पानी रखना चाहिए तभी वो आराम से पकेगा। इसके हिसाब से पकेगा। चावल से इतना ऊंचा पानी रहना चाहिए। चावल से इतना ऊंचा तो ये चावल जो है ना एकदम झूना चावल है। अच्छा झूना चावल है इसमें पानी ज़्यादा जाता है। ठीक है पानी ज़्यादा जाएगा। इसको ढक देंगे अभी अच्छी तरह से पक जाएगा। ये ढक देंगे इसको। तैयार हो गया। तैयार हो गया है। पहले आधा झींगा डाल दिया है। थोड़ा सा डाल दिया अभी थोड़ा बाकी है ऊपर से डालूंगी। अरे हरी मिर्ची डालने से क्या होता है इसको खुशबू होती है तीखापन भी होता है अच्छा लगता है। अब ये झींगा थोड़ा सा डाल दिया अभी भी डाल देती थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। खुशबू टेस्ट जबरदस्त। मैंने नमक देखी ना बराबर है माशाल्लाह टेस्ट बहुत हुआ माशाल्लाह। और झटपट बन गया और आसान तरीका सब रेडी है चढ़ा दो और अपना पकते रहेगा दूसरा काम भी हो जाता रहेगा। देखो मस्त ये ऐसा दिख रहा है ना बाद प्लेट में निकालेंगे ना झरझरे हो जाएंगे खूबसूरत लगेगा अलग अलग हो जाएगा। रेडी हो गया अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तसे ज़्यादा नहीं निकालूंगी अभी खाना खाने के लिए निकालती हूँ। ठीक है निकाल लो मेरे को दूसरे उसमें दे देना खाने के लिए उसमें से खा लूंगी मैं उसमें निकाल लो सजाने के लिए। हाँ दही झींगा पुलाव रेसिपी आप लोगों को कैसे कमेंट्स करके बताना। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और अच्छा अच्छा बिरयानी पुलाव स्नैक्स रेसिपी आप लोगों को देखने मिले। मच्छी रेसिपी भी देखने मिले। अगर कौन सा मच्छी का रेसिपी आप लोग को देखना है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। आप लोग कमेंट्स करोगे तो हम ज़रूर आपके सामने वो रेसिपी भी लेकर आएंगे। तो चलो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद बताती हूँ कैसा बना है। इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ही बना होगा। अभी खा के बताएंगे कैसा बना। मैं तो बनाते बनाते जो नमक के लिए देखी थी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेन जो वीडियो शूट कर रहे थे वो खा के बताएंगे। हाँ अभी सब काम बाकी है सब मिल के खा नहीं सकते। गर्म है फूक मार मार के खाओ। कोई शब्द नहीं है मुझे मालूम था। कोई शब्द नहीं दिल से बनाया कोई तो रिक्वेस्ट किया मैंने। हाँ मैंने रिक्वेस्ट की थी बोल के इंशाल्लाह अच्छा ही बना। माँ कोई शब्द नहीं है। माँ के हाथ का रेसिपी बोलते ना लाजवाब कोई शब्द ही नहीं रहता है। जैसा भी बनाए गर्मी में उससे बनाए मतलब जैसे कि गर बस बना सलाद के साथ में और क्या बोल रहा था वाले माँ के हाथ की चीज़ कैसा भी बनाए नमक से भी बनाए तो उसके टेस्ट हो जाए बोलने का मतलब ये है। झींगा हम इसके झींगा के साथ खाते गर्म है लेकिन बहुत बोल रही है कोई शब्द नहीं है
मैंने शब्द ही नहीं है, इतना टेस्टी बना। आलू गलाने खाते खाते भी खाते वीडियो इधर ही एंड करती हूँ। बाय, अल्लाह मालिक खुदा हाफिज़। बाय, अल्लाह मालिक खुदा हाफिज़। बाय बाय बाय।